फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर ट्रेन में सफर करने वाली सवारियों के होश तो फाकता ही हो गए, साथ ही रेलवे प्रशासन भी शर्म से पानी पानी हो गया। बिस्तर पर पड़ी इस महिला के साथ टीटी महोदय ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद महिला सीधा अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी नजर आ रही ये फरीदाबाद की रहने वाली भावना है। भावना की इस गंभीर हालत का जिम्मेदार टीटी है। दरअसल हुआ यूं कि भावना 29 फरवरी को एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए झांसी जा रही थी। उसने जनरल क्लास की टिकट ली हुई थी और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। भावना के मुताबिक जब झेलम एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन पर रुकी तो उसके सामने AC-1 का कंपार्टमेंट था जिसमें वो गलती से चढ़ गई। भावना के मुताबिक कंपार्टमेंट पर मौजूद टीटीई ने पहले उसकी टिकट मांगी और जब जनरल क्लास की टिकट देखी तो उसे धमकाते हुए ट्रेन से उतरने के लिए कहा, लेकिन तब तक ट्रेन चल चुकी थी। भावना ने टीटी से अगले स्टेशन पर उतर जाने की गुजारिश भी की मगर टीटी ने उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। भावना कुछ समझ पाती तब तक वो गिरकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में आ गई थी। भावना के मुताबिक उसे छोड़ने के लिए उसकी बेटी आई थी। उसकी बेटी और अन्य लोगों ने उसे जैसे तैसे बचाया लेकिन तब तक उसके शरीर में कई फ्रैक्चर हो चुके थे। सर मेरे जा रही थी, मेरी टिकट थी डायरेक्ट भोपाल की, झांसी से बदलना था। जनरल में भीड़ थी, AC वाले में बैठ गई। मैंने बोला है सर अगली स्टेशन पर उतर जाऊंगी मैं। वो मैंने नहीं है तो सर मेरा फाइन काट दो। वो नहीं माना, गाड़ी चलने लग गई खेप तेज। पहले मेरा बैग फेंक दिया, बैग फेंकने के बाद मुझे धक्का दे दिया। मैंने गेट पकड़ लिया, मैंने कहा सर मेरे को अंदर खींच लो, सर अंदर खींच लो, मैं लग रही है। आप लटक गए थे? हाँ, धक्का मारा था। हाँ, उसने ली गेट लगा दिया जब मेरा अंगूठा कट गया पूरा। मतलब धक्का दे दिया, आप लटक गए, घसीटते जा रहे थे आप। हाँ, बीच में पटरी के और ट्रेन के बीच के अंदर। हाँ, फंस गए थे। फंस गए थे और मैंने सर बोला खींच लो मुझे अंदर, टीटी ने गेट लगा दिया थे, अंगूठा जब कट गया पूरा। फिर आप गिर गए? अंगूठा कट गया, सपोर्ट से। आपने कहा नहीं कि मैं अगले स्टेशन पर? मैंने बोला सर, मैंने बोला मेरे सर, मैंने कि मेरा पान काट दो नहीं तो बल्लमगढ़ की स्टेशन पर बदल लूंगी। यहाँ बल्लमगढ़ से पहले भी एक स्टेशन आती है बीच में, वहाँ बदल लूंगी। वो नहीं माना मेरे पास सर। वो बोला उतर जा तू, उतर यहाँ से उतर। मैंने कि सर मुझे बैठे रहने दो, गाड़ी चलने लगी, बैग फेंक दिया। लड़की गई बैठाने, वो बैग खींचती हुई जा रही है, एक डब्बा दो डब्बा तक को चढ़ती गई मैं। जब उसने एकदम से गेट लगा दिया, अंगूठा कट गई, तब फिर हाथ छूट गया, अंदर गिर गई। धक्का मार के आपको चलती ट्रेन से गिरा दिया। बेटी भी साथ थी क्या, जा रही थी? बेटी मुझे छोड़ने गई, छोड़ने गई थी। हाँ जी, ठीक। फिलहाल भावना ESI अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। भावना अब अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक वो अगले 5 से 6 महीने वो बिस्तर से नहीं उठ पाएगी। वहीं मामले को लेकर जब GRP SHO से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर उन्होंने IPC की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 29 तारीख की बात है, 29/2 की एक लेडीज़ थी, भावना नाम है उसका, वो झेलम एक्सप्रेस से जा रही थी झांसी के लिए। टिकट तो उसका भोपाल का है लेकिन वो कह रही मैं झांसी जा रही थी रिश्तेदारी में अपने में, और उसकी बेटी उसको बैठाने के लिए आई थी। जनरल टिकट थी उनके पास और जैसे ही वो स्टेशन के सीढ़ियों के सामने AC कोच आ गया उनके सामने और वो AC फर्स्ट पर चढ़ गई। तो जैसे ही उन्होंने बताया महिला ने कि भाई टीटी ने कहा भाई ये फर्स्ट AC है, आप इससे उतरो। उसने पता नहीं रिक्वेस्ट की है भाई मैं आगे चेंज कर लूँगी, लेकिन टीटी ने बोला भाई नहीं नहीं उतरो उतरो। और वो जैसे वो लेडीज बोल रही है कि मेरा बैग फेंक दिया और मेरे को धक्का दे दिया। तो उसकी स्टेटमेंट पर उसने स्टेटमेंट दिया हमको जी, उस पर FIR कर दी है 307। तो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन हुई? वो अपने गाड़ी के और प्लेटफार्म के बीच में फंस गई थी वो। तो गाड़ी चल पड़ी थी? गाड़ी चल पड़ी थी सर, और गाड़ी में से ट्रेन में धक्का दे दिया जी। जैसे वो बता रही है भाई चलती गाड़ी में धक्का दिया है, जैसे मैंने हैंडल पकड़ा है गेट का और मैं नीचे स्लिप होगी जो प्लेटफार्म और गाड़ी के बीच में आ गई थी। तो अभी क्या हालत है महिला? अब सुधार है जी, उसको ESI हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। एक पैर में उसके फ्रैक्चर था, वो उसका ऑपरेशन हो गया, बाकी अंदरूनी जो चोटें हैं डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो धीरे धीरे रिकवर हो रही हैं। तो इसमें अभी तक पुलिस ने कार्रवाई क्या की है?
सर एफ आई आर लॉन्च कर दी है, कल वर्किंग डे है, कल जाएंगे टीटी के बारे में पता करेंगे, उसको शामिल करेंगे, बुलाएंगे उसको। कहाँ कहाँ का स्टाफ था ये? वो ग्वालियर का स्टाफ है जी, ये इतना तो मालूम चला है, ग्वालियर का स्टाफ है। और ये महिला कहाँ की रहने वाली है? ये भी रहने वाली एमपी की है सर ये, बाकी फिलहाल ये एस जीव नगर फरीदाबाद में रह रही थी। एसएचओ जीआरपी के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है, उनके मुताबिक जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वैसे इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है और ट्रेन में यात्रा करने वाली सवारियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।